Welcome to Heartwonder Classes dedicated to your better future. Project 10 question and answer Social Science Class 7. जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो, और यह वीडियो भी रेल प्रोजेक्ट का ही है। प्रोजेक्ट रेल, प्रोजेक्ट रेल का अर्थ है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। इसके तहत प्रत्येक सप्ताह शनिवार को या किसी एक दिन एग्जाम लिया जाता है, और इस सप्ताह जो है अंतिम सप्ताह था 31/8/2024 अर्थात 31 अगस्त 2024 को जो रेल एग्जाम हुआ क्लास 7 का सोशल साइंस, इसी का क्वेश्चन हम लोग उन्हें चर्चा करेंगे, है ना, एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को। ये सारा इंस्ट्रक्शन है जो कि दिया हुआ रहता है प्रत्येक एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ हमारा दिया हुआ है, इसमें से लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब होगा ओडिशा। लिंगराज मंदिर जो है ओडिशा में स्थित है। ठीक है, तो ये लिंगराज मंदिर का तस्वीर है, आप देख सकते हैं, है ना, लिंगराज मंदिर की तस्वीर है, काफ़ी पुराना शिवालय है ये। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि महासागरीय जल में कितनी प्रकार की गति होती है, महासागरीय जल में कितनी प्रकार की गति होती है। तो महासागरीय जल में तीन प्रकार की गति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिया जाता है। और आप सभी देख रहे हैं भारत ऑनलाइन क्लासेस के अंदर यह वीडियो, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट रेल का सभी क्वेश्चन को आपके सामने लाऊं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे वीडियो चैनल में दिए गए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके ग्रामर के वीडियो और चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हैं, और एनसीईआरटी की वीडियो भी मैं बहुत जल्द शुरू कर रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ है कि भारत के, ठीक है, भारत के कितने राज्यों में विधानसभा परिषद है। तो भारत के 6 राज्यों, ठीक है, 6 राज्यों में विधानसभा परिषद है। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये आपके सामने है, मैं पर्सनली यहाँ विजिट कर चुका हूँ, काफी विशाल है। तो इसका जो सही आंसर है वो नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम ने इनका निर्माण कराया। 5वां क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत स्वच्छ जल। ठीक है, तो स्वच्छ जल अगर कहा जाए तो कुल जल तो है 70%, है ना, लेकिन अगर स्वच्छ जल कहा जाए तो 2.7% स्वच्छ जल, 2.7%। ठीक है, लेकिन कुल जल कहा जाए तो लगभग 70% है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, 7वां क्वेश्चन हमारा है कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सारा ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, सारा ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर इसका केरल होगा। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर एक्चुअली केरल में है। ठीक है, इसे याद रखना है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये राजराजेश्वर मंदिर का तस्वीर है, आप इसकी भव्यता और सुंदरता को देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, हम सभी जानते हैं 5 वर्ष का होता है। पृथ्वी पर लवणीय जल कहाँ से प्राप्त होता है, पृथ्वी पर लवणीय जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो हम सभी जानते हैं कि लवणीय जल जो है महासागर से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, महासागर से प्राप्त होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, विधान परिषद का, ठीक है, तो 30 वर्ष होना चाहिए विधान परिषद का। अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको आपकी आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, और लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। टोडा निर्माण पद्धति से आप क्या समझते हैं, देखो भवनों में जब छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 ऊर्ध्वाधर खंभा माने पिलर या स्तंभ कह सकते हैं। ठीक है, खंभों के आर पार अनुप्रस्थ एक सहतीर रखकर बनाए जाते हैं, माने बीच में दोनों को जोड़ते हुए एक सहतीर दिया जाता है और उसके बाद कुछ बनाया जाता है। ठीक है, तो वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कही जाती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि भवनों में जब
छत, दरवाजे और खिड़कियां दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते हैं। तो वास्तुकला की जो यह शैली है अनुप्रस्थ टोटा हिमाचल कही जाती है। ये मान लीजिए ऊर्ध्वाधर है ना पीला, ठीक है, इसके ऊपर एक सहतीर रखा जाए और इसके बाद कुछ निर्माण किया जाए। इसका तस्वीर यहाँ दिया गया है ना। ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर का ये जो शैली है, ठीक है, ये जो शैली है, ठीक, तो यहाँ देखिए लगातार ये पिलर्स यहाँ दिए गए हैं, है ना, इसके ऊपर ये सहतीर दिए गए हैं और इसका निर्माण किया गया है। यहाँ भी देखिए पिलर दिया गया है ना, और सहतीर को देकर के अलग से डिजाइन बनाया गया है। यही टोडा शैली है। 12वां क्वेश्चन है कि विधानसभा का सदस्य या विधायक होने के लिए क्या क्या अर्हता होना चाहिए। तो सबसे पहला तो होना चाहिए कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए, उनका मानसिक संतुलन ठीक हो, पागल नहीं होना चाहिए, उन्हें उस राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक अर्थात वोटर होना चाहिए, और उन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन भारतीय संघ के मंत्री पद के अलावा किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई नौकरी चाकरी या कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, अगर मंत्री विधायक हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसे आपको अच्छे से देख करके पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा क्या है। क्या क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा क्या है? तो बहुत सिंपल आंसर इसका है, ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? ये समुद्र में उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा प्रतिदिन दो बार आता है जिसके कारण पानी में तीव्रता आती है, ठीक है, यह महासागरों में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसका आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने लिखा है कि जब चुनाव में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता है तो उस स्थिति में दो या दो से अधिक दल आपस में समझौता करके या गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। इस प्रकार बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। 5वां और अंतिम क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जल के वितरण को समझाइए। तो पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग लगभग 70% में जल है और पृथ्वी पर उपस्थित जल का 97% भाग समुद्र और महासागरों के रूप में है जिसे हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार केवल 3% जल ही लवण मुक्त है, मतलब जिसका हम लोग पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से भी 2% जल ग्लेशियर और हिम के रूप में ध्रुवीय प्रदेशों में है। अर्थात पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल का केवल 1% ही हमारे माने पीने के उपयोग में आ सकता है। तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, है ना, और जो भी आपका शिकायत हो या सुझाव हो उसे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर करें। जितना अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही वीडियो बच्चों तक पहुंचेगा। और वीडियो में इस चैनल में अगर पहली बार आए हैं, न्यू आए हैं, तब प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इसका कोई चार्ज नहीं है लेकिन आपको बेनिफिट यही होगा कि जब भी कोई नया वीडियो अगर इसमें अपलोड किया जाएगा आपको जानकारी और नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। जोहार झारखंड, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।